खरगोन क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को भारत कृषक समाज के अध्यक्ष राजू लठेत के नेतृत्व में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि 2 वर्ष से कभी सूखा तो कभी अतिवृष्टि तो कभी ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद होती चली आ रही है। किसान मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। इतनी बड़ी फसलों के नुकसान के बावजूद क्षेत्र के किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों ने मांग की है कि पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रण किया जाए, किसानों का फसल ऋण माफ किया जाए, 3 कृषि कानून निरस्त हो जैसी मांगे शामिल है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार गुंडी बहेरी सरकार के खिलाफ जो कि किसान के विरोध में नए नए नियम लागू कर रही है जिससे किसान बहुत परेशान है, इन सारे परेशानियों को देखते हुए आज भारत कृषक समाज द्वारा किसानों के पक्ष में आज यहाँ पर ज्ञापन देने हम लोग आए हैं। इसमें बिजली का जो शेड्यूल चेंज किया गया उसको पुनः जिस तरह से पहले जो शेड्यूल था उसको वापस जारी रखा जाए और जो खाद की संकट पूरे ज़िले में है उस संकट को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। आगामी समय में गेहूँ की बोनी और चने की बोनी होने जा रही है और आज खाद की किल्लत की वजह से किसान परेशान है और समय पर बोनी नहीं कर पा रहा है। साथ ही जो 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज माफ़ी का केंद्र कांग्रेस सरकार ने वादा किया था उस वादे को पूरा किया जाए और साथ ही जो फसल बर्बाद हो गई थी अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि की वजह से उन फसलों का मूल्यांकन कर मुआवजा दिया जाए और जो इंदिरा सागर की नहरें हैं उनका जल जो उससे संपर्क में आने वाले जितने भी तालाब हैं उनके अंदर उसका जल भराव किया जाए। इस तरह की मांगों को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव, भारत कृषक समाज जिला अध्यक्ष। भाई ने सब बताई दिया है। मैं तो एक बात कहूँगा कि इस साल भी जो अतिवृष्टि और सूखा रहा उसमें किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसान एक तरफा चलता है, जैसे जिसको कहा जाए भेड़ चाल। पिछले वर्ष मिर्ची में अच्छा मुनाफा कमाया, इस साल खेतों खेत मिर्ची लग गई। मिर्ची का निर्यात बंद कर दिया मोदी जी ने तो मिर्ची के भाव आ गए 50 और 60 रुपये पर। तो निश्चित तौर पर अगर निर्यात चालू कर दिया जाए तो ये मिर्ची के जो भाव गिरे हैं अगले साल मैं समझता हूँ कि किसान इस देश में मिर्ची नहीं लगाएगा अगर इस प्रकार के भाव रहे, क्योंकि मिर्ची में 1 लाख रुपये एकड़ का खर्चा आता है और उसमें पूरा घाटे का धंधा हो रहा है। तो ये तो पूरी तरह से किसानों की विरोधी सरकार है। मक्का पकती है तो मक्का आयात करती है, सोयाबीन पकता है तो सोयाबीन आयात करती है, चना पकता है तो चना आयात करती है। तो इस देश में किसानों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, दूसरी तरफ कर्ज से डूब रहा है और किसान को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कभी कभी अपने भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार 15 महीने आई, कुछ नियमों को हमारे द्वारा बनाए हुए नियमों को उन्होंने तोड़ दिया, कैंसिल कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में 2 लाख की जो ऋण मुक्ति की जो घोषणा हुई थी उसको ही आप पूरा कर दें। आपने उसको क्यों तोड़ दिया? किसानों को लाभ पहुंचाने वाली योजना को आपने तोड़ दिया और बाकी बातों पर तो आप बहुत बोलते हो। किसानों के बारे में बोलो ना आप, किसान मेरा भगवान और मैं उसका पुजारी। कहाँ गया पुजारी हमारा? हमारा पुजारी इस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार कर रहा है? डीजल अगर कभी केवल और केवल किसानों को डीजल टैक्स फ्री डीजल दे दिया जाए तो इस देश का किसान खुश हो जाएगा। ये किसान को जो ट्रैक्टर में लगने वाला डीजल है ये बिल्कुल टैक्स फ्री कर देना चाहिए सरकार ने, तो निश्चित तौर पर किसान को एक बहुत बड़ा लाभ होगा और बहुत बड़ा उत्पादन, क्योंकि किसान जितना टैक्स देता है अपनी खेती से उत्पादन पर जितना टैक्स देता है इतना भारत में कोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।